तो दिल्ली आ रहे हैं बाबा बागेश्वर, क्या ये है 2024 का सियासी चक्कर? जब दिल्ली में खुलेगा पर्चा तो होगी हिंदू राष्ट्र वाली चर्चा। नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। दिल्ली में आने वाली 5 से 8 जुलाई तक की तारीख बेहद अहम होने वाली है, क्योंकि बागेश्वर सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री दिल्ली का दौरा करने वाले हैं। तैयारियां तो जोरों पर हैं। अब देखना होगा कि देश की राजधानी दिल्ली में जब सरकार आएंगे तो क्या माहौल बनाएंगे। मिशन हिंदू राष्ट्र पर निकले बाबा बागेश्वर का अगला पड़ाव दिल्ली है। देश की राजधानी से बाबा बागेश्वर अपना संदेश पहुंचाएंगे। सनातनियों को निवेदन करेंगे, बागलो सनातनियों, अब वक्त आ गया है एक होने का। दिल्ली में जब बाबा बागेश्वर का दरबार लगेगा तो 24 का रास्ता भी निकलेगा। चर्चा चुनाव पर भी होगी, नजरें हिंदू राज के मिशन पर भी होगी। दिल्ली आ रहे बागेश्वर, 24 का सियासी चक्कर। मिशन हिंदू राष्ट्र को लेकर भ्रमण पर निकले बाबा बागेश्वर अब दिल्ली में कथा करेंगे। 5 से 8 जुलाई तक दिल्ली में दरबार लगेगा। तुम हमारा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। दिल्ली में बागेश्वर सरकार पर्चा खोलेंगे, हिंदू राष्ट्र को लेकर फिर से चर्चा चलेगी। खोलेगा दिल्ली का पर्चा हिंदू राष्ट्र वाली चर्चा। दिल्ली में बाबा बागेश्वर का दरबार सजेगा। 24 से पहले एक नया रंग चढ़ेगा। सियासी जंग एक बार फिर से तेज हो जाएगी, जब 24 के चुनाव से पहले बाबा बागेश्वर दिल्ली से हुंकार भरेंगे। सुखद खबर यह है कि भारत में हिंदू जाग रहे हैं। बाबा देंगे दिव्य ज्ञान, तय है सियासी संग्राम। तो हो जाओ तैयार, क्योंकि लगने वाला है दरबार। दिल्ली में बाबा बागेश्वर भरेंगे हुंकार, तो 24 में होगी जंग आर पार। हम कहते हैं भारत को अगर विश्वगुरु बनाना है, देश को सुरक्षित रखना है, देश में अगर आनंद चाहिए तो राम जैसा बेटा चाहिए। अब दिल्ली से बाबा बागेश्वर अपना संदेश देंगे। 24 के महासंग्राम से बागेश्वर सरकार दिल्ली में दरबार लगाएगी। अब सवाल है कि सरकार आएंगे तो माहौल बनाएंगे। तो आने वाली 5 से 8 जुलाई ये तारीख दिल्ली के लिए बेहद अहम होने वाली है, क्योंकि इन 72 घंटों तक बाबा बागेश्वर दिल्ली के दौरे पर रहने वाले हैं। और इन 3 दिनों के वक्त में बाबा बागेश्वर दिल्ली में दरबार लगाने वाले हैं। और अब देश की राजधानी में जब बागेश्वर सरकार पहुंचेंगे तो जाहिर सी बात है 24 का संदेश भी निकलेगा, बात हिंदू राष्ट्र की भी निकलेगी। लिहाजा इतना तो साफ है कि 24 के चुनाव के लिहाज से ये दरबार और इससे निकलने वाला संदेश बेहद खास होने वाला है। मर जाएंगे पर अपने धर्म के अलावा किसी जगह नहीं झुकेंगे। 2024 में सनातन के कार्य का पूर्ण करने का आशीर्वाद चाहते हैं। भारत हिंदू राष्ट्र था, है और फिर से घोषित होकर रहेगा। दिल्ली तैयार है बाबा बागेश्वर के एक दौरे के लिए, एक दौरा जिसके जरिए बाबा बागेश्वर 24 का संदेश लेकर पहुंचेंगे, वो दौरा जिससे बागेश्वर सरकार हिंदू राष्ट्र की आवाज को फिर बुलंद करेंगी। न कथा हरो हिंदुओं, जाग जाओ सनातनियों, आज कथा में वचन लेकर जाओ। मर जाएंगे पर अपने धर्म के अलावा किसी जगह नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे। मिशन साउथ और बिहार के बाद अब बाबा बागेश्वर की नजर देश की राजधानी पर है। राजधानी दिल्ली में 3 दिन का पड़ाव होगा,
चुनाव से पहले ये पड़ाव इसलिए भी आम है क्योंकि हिंदू राष्ट्र को लेकर बाबा बागेश्वर की हुंकार 24 से पहले और बुलंद होने वाली है। बाबा बागेश्वर धाम दिल्ली में आ रहे हैं और दिल्ली में 5 तारीख से लेकर 8 तारीख तक एक कथा का आयोजन होना है। हम तस्वीरें पहले दिखा दें जो पूरी तरीके से पंडाल है वो बनना शुरू हो गया है, स्टेज बननी शुरू हो गई है और यहाँ पर अनुमानित अगर बात की जाए तो 10 लाख से ज्यादा लोग आने का अनुमान है। हिंदू राष्ट्र का बाबा बागेश्वर लगातार परचम बुलंद करते रहे। दिल्ली से पहले अपने मिशन साउथ पर भी बाबा बागेश्वर ने हिंदू राष्ट्र को लेकर अपनी आवाज उठाई थी, जिसमें हिंदू राष्ट्र का पूरा खाका बाबा बागेश्वर ने तैयार किया। बाबा बागेश्वर के मुताबिक हिंदू राष्ट्र का मतलब किसी पर प्रहार करना नहीं, किसी भी समुदाय को परेशान करना नहीं है। हिंदू राष्ट्र और मुसलमानों के बीच की खाई को दूर करना हिंदू राष्ट्र का मकसद है। सामाजिक समरसता लाना भी हिंदू राष्ट्र का उद्देश्य है और भारत को विश्व गुरु बनाने की संकल्प लिया गया है। कुल मिलाकर हिंदू राष्ट्र के जिस झंडे को लेकर बागेश्वर सरकार हुंकार भर रहे हैं उसकी एक जमीन तैयार हो चुकी है। हिंदू राष्ट्र का मतलब किसी पर प्रहार करना नहीं, हिंदू राष्ट्र का मतलब किसी समुदाय को परेशान करना नहीं, हिंदू राष्ट्र का मतलब जो राजनीतिक रोटियां बार बार हिंदू मुसलमानों के बीच में खाई बनाने के लिए सेंकी जाती वो खाई दूर हो, सामाजिक समरसता हो, हिंदू राष्ट्र हो, फिर भारत विश्व गुरु हो। हिंदू राष्ट्र पर बागेश्वर सरकार लगातार अपने विचारों को दुनिया के सामने साफ करते रहे। इस बीच 24 के चुनाव से पहले बागेश्वर सरकार का बिहार के बाद दिल्ली दौरा इस बात का इशारा कर रहा है कि दिल्ली से हिंदू राष्ट्र पर आवाज बुलंद की जाएगी। ये राम जी के लिए जो कह रहे हैं ये कट्टरपंथता से देश में उपद्रव मच जाएगा, देश में भयावह हो जाएगा, कल होता हो जावे, पर भारत हिंदू राष्ट्र था है और फिर से घोषित होकर रहेगा। 2 दिन के इस दौरे के लिए दिल्ली में तैयारियां जोरों पर है। बाबा बागेश्वर के दिल्ली पहुंचने से पहले ही दिल्ली तैयार है। 5 से 8 जुलाई के बीच लगने वाले इस दरबार में 2 लाख लोगों के पहुंचने का इंतजाम किया गया है। देखिए जिस प्रकार से आप देख रहे हैं इस कथा पंडाल को, यहाँ पे एक बहुत बड़े कथा पंडाल का आयोजन किया गया है। लगभग 215 फुट चौड़ा कथा पंडाल, जो कि अमूमन 80 से 100 फुट लगता है, यहाँ पे 215 फुट का कथा पंडाल है। मंच की अगर आप बात करें, जो अमूमन 80 फुट का मंच लगता है, ये दिव्य और भव्य मंच लगने जा रहा है, 150 फुट का मंच लगने जा रहा है। अगर हम आने वाले भक्तों की बात करें तो हजारों से लाखों भक्तों की प्राथमिक सुविधाओं की व्यवस्था यहाँ की गई है, उनके रहने की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था, उनके हर प्रकार की व्यवस्थाओं की सुविधाओं के लिए यहाँ पे तैयारी आयोजन समिति ने की हुई है। चुनाव से पहले बाबा बागेश्वर का दिल्ली दौरा एक बड़े दाव की तरह देखा जा रहा है। हिंदू राष्ट्र के हुंकार के साथ बागेश्वर सरकार 24 से पहले चुनावी पर्चा खोल सकते हैं। दिल्ली में लगने वाले दिव्य दरबार चुनाव के मद्देनजर काफी अहमियत रखता है क्योंकि बागेश्वर सरकार दिल्ली में एक बार हिंदू राष्ट्र की आवाज उठा सकते हैं। हमारी प्रार्थना को बेकार मत जाने देना, अगर तुम्हारे अंदर एक बूंद भी सनातनीय हिंदू का हो तो तुम मेरा साथ दो, मैं हिंदू राष्ट्र दूंगा। लाखों की तादाद में लोगों के शामिल होने का इंतजाम किया जा रहा है। तय है कि दिल्ली में बाबा बागेश्वर का दौरा बेहद खास होगा। पूरी मुझे लगता है पूरी NCR से, हरियाणा UP NCR से लोग आएंगे और हमने हर तरह की व्यवस्था कर रखी है। 1.5 लाख लोगों का डेली हमने सुबह से लेकर नाश्ते से लेकर लंच और डिनर तक का इंतजाम कर रखा, और जो भी व्यवस्था होगी बाकी तो बाबा अपने आप ही कर देंगे क्योंकि उसके पागल दीवाने, उनकी हम संख्या नहीं बता सकते। 10 लाख भी हो सकती है, 20 लाख भी हो सकती है। आयोजन समिति के लोग हैं, इनका कहना है कि जितने भी श्रद्धालु आएंगे उनके लिए पूरी व्यवस्था कर ली गई है, ट्रैफिक जाम नहीं लगने दिया जाएगा, ट्रैफिक का पूरी तरीके से इंतजाम कर लिया गया है। रोजाना 1.5 लाख से ज्यादा लोग आने का अनुमान जो है आयोजक समिति यहां पर जता रही है। तो अब दिल्ली तैयार हो चुकी है, बागेश्वर सरकार के दौरे की तैयारी जोरों पर है। 5 से 8 जुलाई तक देश की राजधानी में बाबा बागेश्वर दिव्य दर्शन देंगे। देखना होगा उनके इस दौरे का 24 के रण पर कितना असर होता है। टीम न्यूज स्ट्रीट। दिल्ली के लिए बाबा बागेश्वर का दौरा बेहद अहम है। 2024 में होने वाले चुनाव से जोड़कर भी इस दौरे को देखा जा रहा है और ऐसे में दिल्ली में हिंदू राष्ट्र की आवाज भी बुलंद हो सकती है। अब दिल्ली का रुख कर चुके बाबा बागेश्वर के दौरे से पहले दिल्ली में क्या तैयारी है और बाबा बागेश्वर के प्रोग्राम का पूरा खाका क्या है, इस रिपोर्ट से समझिए।
जयकारों से गूंज उठेगी दिल्ली की गलियां, राजधानी की सड़कों पर होगा बाबा के भक्तों का मेला। जिस पैमाने पर तैयारियां की जा रही है उसे देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि बाबा बागेश्वर का दिल्ली दौरा कितना खास है। कितना खास है ये मौका जब बागेश्वर सरकार दिल्ली का रुख कर रहे हैं। दिल्ली में दिव्य दर्शन देने के लिए पहुंच रहे बागेश्वर सरकार के दरबार को इस हिसाब से तैयार किया गया है कि लाखों भक्त एक साथ दर्शन के लिए बागेश्वर सरकार के कार्यक्रम में पहुंच सके। देश की राजधानी दिल्ली में बाबा बागेश्वर धाम का दरबार पूरी तरीके से सज चुका है। छोटी मोटी जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। इस पंडाल की बात की जाए तो 215 फीट चौड़ा पंडाल लगाया गया है। साथ ही बाबा की अगर स्टेज की बात की जाए तो वो 150 फीट बड़ी लगाई गई है, यानी काफी विशाल काय पंडाल लगाया गया है। सुरक्षा के इंतजामों की अगर बात की जाए तो हम दिखाएं आपको, एक तरफ यहाँ पुलिस तो तैनात रहेगी, तमाम सुरक्षा एजेंसियां मौजूद रहेंगी, उसके साथ साथ सीसीटीवी कैमरों से भी तमाम लोगों की निगरानी रखी जाएगी ताकि इस कार्यक्रम को जितना भव्य बनाने की कोशिश आयोजकों की तरफ से की जा रही है उतना ही शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करा लिया जाए। 215 फीट चौड़ा पंडाल लगाया गया है और 150 फीट चौड़ा बाबा का मंच बनकर तैयार हो चुका है। हिफाजत से लेकर लोगों के लिए पार्किंग और खाना का इंतजाम किया गया है। बाबा बागेश्वर से मिलने के लिए आने वालों के लिए खास तौर पर वीवीआईपी लेन बनाई गई है जिसके जरिए बाबा बागेश्वर के डायरेक्ट दर्शन होंगे। दिल्ली के आईपी एक्सटेंशन रामलीला मैदान में बाबा बागेश्वर धाम की 5 तारीख से कथा का आयोजन होना है, उसको लेकर तैयारियां जोरों पर है। मैं अपने पीछे सबसे पहले उस मंच की तस्वीर दिखा दूं जहां पर बागेश्वर धाम विराजमान होंगे और यहीं से यहां आने वाले तमाम लोगों से वो सीधे संवाद करेंगे। ये मंच पूरी तरीके से बनकर लगभग तैयार हो गया है, आने वाले 1 या 1.5 दिन में इसको पूरा कर लिया जाएगा। इस मंच तक अगर आने की बात की जाए तो इस मंच तक आने के लिए बाबा बागेश्वर धाम या उनके जो करीबी होंगे आयोजक होंगे उनके लिए ये वीवीआईपी गैलरी बनाई गई है। इस वीवीआईपी गैलरी से तमाम लोग बाबा बागेश्वर धाम तक मंच पर पहुंचेंगे। उनसे जुड़े हुए जो भी लोग हैं या यहां आयोजक समिति के लोग हैं उनके लिए ये वीवीआईपी एंट्री बनाई गई है। दिल्ली में बाबा बागेश्वर का दौरा 3 दिनों का होगा जिसके लिए अभी से पूरी तैयारी कर ली गई। बाबा दिल्ली कब आएंगे और किस दिन क्या कार्यक्रम होंगे इसका पूरा खाका बना हुआ है। 5 जुलाई को बाबा बागेश्वर की कलश यात्रा होगी। 6 से लेकर 8 जुलाई तक 2 कार्यक्रम एक साथ चलेंगे। सुबह के वक्त 2 घंटे बागेश्वर सरकार हवन करेंगे और फिर शाम 4 से 8 बजे के बीच प्रवचन यानी कथा वाचन होगा। 7 जुलाई को दोपहर 12 से लेकर 4 बजे तक दिव्य दर्शन दरबार लगाया जाएगा। इस दरबार में बागेश्वर सरकार पर्चा निकालेंगे। तैयारी लगभग पिछले 1 महीने से हम लोग तैयारी कर रहे हैं और बड़ी भव्य कार्यक्रम ये होने जा रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस कार्यक्रम में जितनी भी आम जन के लिए सुविधा दी गई है लाखों हजारों लोग इसमें जुड़ने जा रहे हैं और इसमें हमें जगह जगह पर जैसे लोगों को कई कार्यक्रमों में देखा गया है कि पार्किंग की समस्या रहती है तो हमें जगह जगह जो है पार्किंग की व्यवस्थाएं भी की गई है, चिन्हित कर दी गई है पार्किंग है। और ये पुलिस के माध्यम से और पूरी बैरिकेडिंग प्रॉपर जो है तरीके से कराई जा रही है। दिल्ली के दरबार से देश को संदेश दिया जाएगा। अब क्या दिल्ली में बागेश्वर सरकार हिंदू राष्ट्र पर कोई नई बात कहेंगे? सवाल मुनासिब है क्योंकि बात दिल्ली की हो रही है, वो दिल्ली जो देश की राजधानी का केंद्र कहलाती है। तो उम्मीद है कि मिशन दिल्ली में हिंदू राष्ट्र का एजेंडा भी निकल कर आ सकता है। फिलहाल तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आयोजकों का साफ तौर पर कहना है सुरक्षा से लेकर या पार्किंग को लेकर या भक्तों के खाने को लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और लाखों की संख्या में भक्तों के आने का उम्मीद जो है वो आयोजक लगा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन कुमार के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट दिल्ली। चलिए वक्त एक ब्रेक का, बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।